हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, हम लोग अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने बात की थी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। हम लोगों ने वहाँ से लेनार्ड्स एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिए थे। और आज हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन जी ने क्या इक्वेशन दी, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, बात क्या है कि जो आइंस्टाइन जी थे, इन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर इन्होंने एक इक्वेशन दी और वो इक्वेशन बहुत ही पॉपुलर हुई। ठीक है, तो वो इक्वेशन हमको आज यहाँ पर ड्राइव करनी। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आइंस्टाइन जी ने क्या बताया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बच्चों, आइंस्टाइन जी ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से ये बताया, ठीक है, ये थ्योरी ये कहती थी कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो थ्योरी थी वो लाइट की वेव नेचर को रिजेक्ट करती थी। ये बताती थी कि जो लाइट है वो वेव नहीं है। तो इन्होंने इस थ्योरी ने क्या बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब जो लाइट है वो क्या है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स व्हिच आर कॉल्ड क्वांटा आर फोटॉन। तो ये थ्योरी बताती थी कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर कॉल्ड क्वांटा। तो क्या बताया कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिसको क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। ठीक है, और हर फोटॉन की जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर होती है। और हर फोटॉन की जो एनर्जी है बच्चों, वो कितनी होती है, एच न्यू होती है। मतलब एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन एच इक्वल टू एच न्यू। हर फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है बच्चों, एच न्यू होती है। जहां पर एच क्या है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच का वैल्यू क्या होता है सोचो, तो एच का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो होता है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड। एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, न्यू क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो लाइट गिर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, न्यू है। तो आइंस्टाइन जी ने ये उनकी थ्योरी को सपोर्ट किया कि लाइट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में गिरती है। मतलब ये सब छोटे छोटे पैकेट्स हैं, लाइट में छोटे छोटे पैकेट्स हैं किसके, एनर्जी के। और हर पैकेट की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। मतलब इसकी भी एनर्जी एच न्यू, इसकी भी एच न्यू, इसकी भी एच न्यू, ये सब गिर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा व्हेन फोटॉन्स इंसिडेंट एट द मेटल सरफेस। मान लीजिए फोटॉन किसी मेटल सरफेस पे गिरा, देन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज रिसीव्ड बाई ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो एक फोटॉन की एनर्जी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, और वो जैसे ही रिसीव कर लेता है तो फोटॉन का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। मींस फोटॉन क्या है, एनर्जी का पैकेट है। जैसे इस पे गिरा, किसी इलेक्ट्रॉन ने उसको कैप्चर किया, उसको एब्जॉर्ब किया, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास चली गई, अब फोटॉन कुछ नहीं बचा, खत्म। एनर्जी पैकेट था, एनर्जी ले ली गई, बात खत्म। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओनली वन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं ले सकते, कितनी भी ज्यादा एनर्जी हो एक फोटॉन के पास, कितनी भी ज्यादा एनर्जी हो, बट उसको केवल क्या कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा।
ये नहीं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फोटॉन के पास एनर्जी है तो 10 लोगों ने एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओनली वन इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख देंगे एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज रिसीव्ड बाय ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल, ठीक है। एंड फोटॉन इज वैनिशेस, और फोटॉन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, तो एक फोटॉन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को बच्चों मिल गई। अब जैसे ही ये फोटॉन कोई आया, मान लीजिए यहां गिर, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही एक फोटॉन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है सब इधर उधर निकलने लगे। ये क्या निकल रहे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो पता है ना लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, लेकिन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कोई इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिट्स फ्रॉम द मेटल सरफेस विद डिफरेंट एनर्जी, मतलब निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम होगी ये भी जरूरी नहीं है। होता क्या है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर बैठा था, उसको एनर्जी मिलेगी, तो उसमें यहाँ पे सब क्या होंगे, कोलिजन्स होंगे, अलग अलग एटम्स के इफेक्ट में जाएगा, तो उसकी एनर्जी यहाँ तक निकलने में कुछ खर्च हो जाएगी, जो बचेगी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में बन जाएगी और वो बाहर निकल जाएगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि सबसे ऊपर बैठा था यहाँ बिल्कुल आउटर मोस्ट सरफेस पे, उसको एनर्जी मिली तो उसको तो केवल बाहर ही निकलने में अपनी थोड़ी सी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, और बाकी की पूरी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई। इसका मतलब इस थ्योरी ने कहा कि जब फोटॉन किसी मेटल सरफेस पर गिरते हैं तो एक फोटॉन की एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, और जैसे कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिसीव करता है फोटॉन अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म कर देता है, और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होते हैं विथ डिफरेंट एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सरफेस से निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा नीचे से निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होती है। अब यह भी पॉसिबल है कि कोई एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को यहां वाले को मिल जाए और वो यहीं पे कोलिजन में सारी एनर्जी लॉस कर दे, बाहर निकल ही ना पाए। तो मतलब ऐसा भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि फोटॉन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकलना है, है? तो वो हो सकता है कि उसको एनर्जी मिले बट वो बाहर निकलने से पहले पूरी एनर्जी कोलिजन के थ्रू अपनी खत्म कर दे, ठीक है। तो लेकिन जो बाहर निकलेंगे उनमें से जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, किसकी मैक्सिमम होगी, जो आउटर मोस्ट से निकलेगा, जो सबसे बाहर से निकलेगा। ऐसे ही सोचिए, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए 50 स्टूडेंट्स हैं और कहा जाए कि भाई सब लोगों को बाहर निकलना है, एक एक बच्चे को एनर्जी दी जाए, तो जो सबसे पहले गेट के पास बैठा होगा वो उस एनर्जी पाकर सबसे तेजी से निकल सकता है, और जो सबसे उधर वाली सीट में बैठा होगा उसके साथ क्या होगा, वो एनर्जी पाएगा, वो दौड़ना शुरू करेगा, किसी सीट से टकराएगा, किसी बच्चे से टकराएगा, और हो सकता है वो बाहर निकल ही ना पाए। तो मतलब सेम एनर्जी अगर दी गई तो जो बच्चा दरवाजे के पास बैठा होगा वो सबसे तेजी से भागेगा। वही काम यहाँ होता है कि जैसे एनर्जी मिलेगी सबको मिलेगी तो बराबर है चिन्हू, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर है, सबसे आउटर मोस्ट पे, उसको बाहर निकलने के लिए केवल अपना अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करना है जो किसी एटम के साथ है और बाहर निकल जाना है। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर बैठा है उसको सबसे कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए, और जब एनर्जी कम खर्च होगी तो बची हुई एनर्जी क्या बन जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसका मतलब एनर्जी जितनी कम खर्च करेगा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ज़्यादा बचेगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सरफेस से निकलना होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जो इलेक्ट्रॉन नीचे से निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इतनी ज़्यादा अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि जो बाहर निकल ही नहीं पाते।
तो ये भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि जितने फोटॉन गिरे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। बस समझ में आ रही? इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट इनका क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन इनकी हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स विद डिफरेंट एनर्जी आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे जो प्लैंक्स थ्योरी के आइंस्टाइन जी ने सपोज किए, और फिर यहां से उन्होंने बताया कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सरफेस से निकलता है, ठीक है, अब उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की होगी, जितनी एक फोटॉन की एनर्जी थी, फोटॉन की एनर्जी कितनी थी एच न्यू, तो इन्होंने सोचा अगर एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है एक इलेक्ट्रॉन में और इस एनर्जी से कुछ एनर्जी तो वो खर्च कर देता है बाहर निकलने में, तो मान लेते हैं कि आउटर मोस्ट सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन निकला और उस इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलने में अपनी एनर्जी खर्च कर दी डब्ल्यू, तो एच न्यू एनर्जी का एक पार्ट तो बाहर निकलने में खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन से, और जो रिमेनिंग एनर्जी बची वो इन्होंने बताया उसकी काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाती है। किसमें खर्च हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। अब अगर आउटर मोस्ट सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन निकला है तो बाहर निकलने में उसने मिनिमम एनर्जी खर्च की होगी, और किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या होती है? वर्क फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो उस समय उसको बाहर निकलने में जो एनर्जी उसने खर्च की होगी वो किसके बराबर होगी? वो होगी वर्क फंक्शन के बराबर। इससे ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन एच न्यू एनर्जी को पाता है, किसी फोटॉन की एनर्जी को पाता है, तो उस एनर्जी का कुछ पार्ट वो बाहर निकलने में और रिमेनिंग एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के ई मैक्स, जहाँ के ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो एब्जॉर्ब एनर्जी वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब बच्चों यहाँ से के ई के बहुत सारे फार्मूले निकल सकते हैं, जैसे के ई मैक्स बराबर क्या हो सकता है? एच न्यू माइनस डब्ल्यू। देखो के ई मैक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो इधर डब्ल्यू प्लस का था, इधर आया तो क्या हो गया? माइनस का। तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू एक ये फार्मूला हो सकता है। बाकी एक फार्मूला बच्चों हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्यों? क्योंकि जो वर्क फंक्शन है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एच न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट क्या है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू नॉट क्या है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि के ई मैक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब इसको अगर एच को कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। तो एक ये भी फार्मूला बच्चों यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हम और भी बहुत सारे फार्मूले वेवलेंथ के टर्म में बना सकते हैं कि जैसे न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपान लेमडा, और न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सी अपान लेमडा नॉट। यहाँ पर लेमडा नॉट क्या है? थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द मेटल सरफेस। अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो के ई मैक्स का ये भी फार्मूला हो सकता है। क्या हो सकता है? एच सी अपान लैम्डा माइनस सी अपान लैम्डा नॉट, और के ई मैक्स इज इक्वल टू एस सी वन अपान लैम्डा माइनस वन अपान लैम्डा नॉट। तो ऐसे बच्चों बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि कभी कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में भी ये इक्वेशन पूछ ली जाती है,
तो बच्चों अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में पूछनी हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो के ई मैक्स है वो किसके बराबर होता है, ई वी नॉट, जहां पर वी नॉट क्या होता है, ये होता है स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो यहां से अगर हम बात करें तो यही फार्मूला देखिए हमारे पास क्या बन सकता है, ई वी नॉट यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू या एच न्यू नॉट। ठीक है, अब बच्चों है क्या कि कई बार ऐसा भी देखा गया कि जैसे ये पूछ दिया जाता है कि आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस एच न्यू इज इक्वल टू डब्लू प्लस के ई मैक्स किसके कंजर्वेशन को बताती है। तो सीधी सी बात है ये एनर्जी कंजर्वेशन को बताती है। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी में जो एज्यूम किया गया कि जितनी एनर्जी गिरी उसका कुछ पार्ट वर्क में कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब कहीं कोई एनर्जी लॉस तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन को बताती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब अगर मोटी मोटी बातें हमसे की जाए कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन जी ने, तो हम बेसिक बातों से क्या बता सकते हैं, हम बताएंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर कॉल्ड क्वांटा आर फोटॉन, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज एच न्यू एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट शोज द नंबर ऑफ क्वांटा इंसिडेंट एट द मेटल सरफेस। मीन्स अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा फोटॉन आ रहे हैं, इंटेंसिटी कम है तो कम फोटॉन आ रहे हैं। ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज रिसीव्ड बाय ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एक फोटॉन की एनर्जी को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, ड्यू टू दिस एनर्जी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। व्हेन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट एंड द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर इजेक्टिंग फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस एक्वायर्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड देयर आर मैनी इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बट कैन नॉट इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सर्फेस। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी अंदर ही कोलिजन में वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी मेटल पे न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है तो एक फोटॉन उसको एच न्यू एनर्जी देता है किसी एक इलेक्ट्रॉन को। अगर ये मान लिया जाए कि उसने बाहर निकलने मिनिमम डब्लू वर्क किया है तो हमको तो पता है कि जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो दो पार्ट में ख़त्म हो रही है, एक उसको बाहर निकालने में और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो बाहर निकालने में एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी एब्जॉर्ब एनर्जी। तो एच न्यू इज इक्वल टू हो गए डब्लू प्लस के ई मैक्स, यहाँ से हमने ये फार्मूले फाइंड कर लिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमको ये पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है तो के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट भी लिख सकता हूँ, तो ये भी हमें फार्मूला मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हमको क्या बताती है, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताती है।